बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स स्ट्रीम। माय नेम इज अंशुल गुप्ता। ये क्लास एक बोनस क्लास के जैसे है। इसमें मैं लेंस फार्मूला पढ़ाने वाला था, लेकिन लेंस फार्मूला बताने से पहले मुझे आपको ये बताना है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस किस तरह की इमेजेस बनाते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये तो गिवन हो कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पर ये गिवन नहीं हो कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, तो देयर आर सम हिंट्स जिनसे आप अपने आप पता कर सकते हो कि ये इस तरह की इमेज कन्वर्जिंग लेंस ही बना सकता है या डाइवर्जिंग लेंस ही बना सकता है। ऐसी एक चीज मैंने मिरर में भी बताई थी, आई होप तुमने वो वीडियो देखा था और उसके नोट्स बनाए थे। तो पहले शुरू करते हैं कन्वर्जिंग लेंस में मैं ऐसा क्या बताना चाह रहा हूं। सो लेट्स सी, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर बनाया मैंने। फोकस और 2f की डिस्टेंस मार्क करी है, फोकस और 2f की डिस्टेंस मार्क करी है। तो जो कन्वर्जिंग लेंस है उसे कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई रेज आएंगी कहां से आएंगी, इंफिनिटी से। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, मतलब यू एट माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत बड़ा और बहुत दूर ऑब्जेक्ट, जैसे सन को हम लेंस, सन के आगे जब हम लेंस लगाते हैं कन्वर्जिंग, तो क्या होता है कि सन की सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं। कोई भी पैरेलल रे कहां से पास करेगी, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट विल ट्राई टू गो फ्रॉम फोकस। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो पैरेलल रेज को वो फोकस पर भेज देता है। तो जो आपकी इमेज बनी वो कहां पर बनी, फोकस पर। कैसी बनी, एकदम छोटी सी पॉइंट है, तो इमेज इज एट फोकस। कैसी है ये इमेज, रियल है। और कैसी है ये इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है। बोले सर पॉइंट साइज को आप इन्वर्टेड कैसे बोल पा रहे हो, देखो ऊपर से रेज आ रही है, इस लाइन को फोकस को क्रॉस करके नीचे की तरफ ही इमेज बनेगी, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, जब भी कोई रियल इमेज बन रही है तो वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ऊपर से रेज आई, मिलने के लिए उनको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाना ही पड़ेगा। तो रियल है, इन्वर्टेड है। और इस इमेज के बारे में क्या है, हाईली, हाईली की जगह लिखता हूं वेरी 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 डिमिनिश्ड। तो ये हो गया मेरा केस वन। अगर ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी वेरी डिमिनिश्ड। ओके, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये केस ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि हम सबको पता है सन की रेज एक पेपर पर हम फोकस कर सकते हैं और उस पेपर को बर्न कर सकते हैं। तो बिकॉज इट्स अ रियल इमेज इसलिए पेपर बर्न हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में रेज उस पॉइंट पर मीट कर रही है। वर्चुअल इमेज के केस में पेपर बर्न नहीं होता। तो एनीवे, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट केस देखते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को, बच्चों क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, अब ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, थोड़ा क्लोज ले आए। लेट्स से ऑब्जेक्ट यहां पर ले आए हम, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है यू बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड माइनस टू है, तो यू इतना है। तो इस केस में दो रेज बनानी पड़ेंगी इमेज बनाने के लिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले गया मैं, इसको कहां से पास करा दूंगा, फोकस से पास करा दूंगा, और दूसरी रे अगर मैं फोकस से ले जाऊं तो ये कैसी चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी। बड़ा सिंपल है बच्चों लेंस के केस में, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। जैसे ये दो रेज बनाओगे आपको फट से दिख जाएगा कि यहां पर इमेज बन गई। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास लाए तो इमेज थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गई। ओके, इमेज कहां पर है, आपको दिख रहा होगा f एंड 2f के बीच में है। और कैसी है बच्चों इमेज, एक्चुअल में रेज मीट कर रही है, तो रियल है, इन्वर्टेड है एंड स्लाइटली डिमिनिश्ड भी है। ओके, रियल है, इन्वर्टेड है और पहले से थोड़ी छोटी है। फर्स्ट केस में बहुत ज्यादा छोटी थी, अब थोड़ी छोटी। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे, पहले इन्फिनिटी पर रखा था, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट था, दिखाई भी नहीं दे रहा था, डॉटेड लाइन बनानी चाहिए, फिर थोड़ा पास लेके आए, फिर थोड़ा और पास लेके आए। लेट्स से अब ऑब्जेक्ट हम कहां पर ले आए, 2f पर। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है, इफ यू इज इक्वल टू माइनस 2f, तो क्या होगा, एक रे सीधी लेके गया, किससे पास करा दूंगा, फोकस से पास करा दिया, दूसरी रे फोकस से पास करा दूंगा और कैसे ले जाऊंगा, पैरेलल ले जाऊंगा, और दोनों रेज कहां पर मीट कर जाएंगी, 2f पर। ठीक है, तो हो सकता है मेरी रेज थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखाई दे रही हो, तुम स्केल से ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली सही आएगा। तो
ये वाला गैप, ये वाला गैप बस इक्वल लेके बनाना, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज कहां पर है, इमेज भी 2f पर है, ओके। और कैसी है इमेज, रियल है, यस, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही है, ये नीचे गई ये सामने आई। इन्वर्टेड है, यस, क्योंकि इमेज उल्टी है। और इस बार कैसी है, साइज सेम साइज, ओके। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है इमेज दूर जाती जा रही है। नेक्स्ट केस में हम और क्लोज लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, पहले 2f तक ले आए थे, अब 2f के आगे, तो टी 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पैरेलल वाली फोकस से पास करा दी और दूसरी रे फोकस से बना लेता हूं और इसको पैरेलल आगे ले जाता हूं और ये दोनों रेस कहां मिल गई, बियॉन्ड 2f। तो v इज बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, वो तो तुम्हें दिखी रहा है, 2f से आगे चली गई। ऑब्जेक्ट 2f से आगे आ गया तो इमेज 2f से दूर चली गई। कैसी है इमेज, अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है और अब स्लाइटली इनलार्ज्ड भी है, पहले से थोड़ी सी बड़ी हो गई है इमेज, दिखाई दे रही होगी तुमको। लेकिन हम और पास लाते गए ऑब्जेक्ट को, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं और देख रहे हैं इमेज दूर जाती जा रही है। तो बस ये प्रोसेस तेजी से तुम्हारे दिमाग में तुम बिना इमेज ड्रॉ किए कर पाओ, ऐसी ऐसी उम्मीद से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक ने जो पैरेलल लाया उसे फोकस से भेज दिया और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूं, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली कोई भी रे बच्चों अनडेविएटेड चली जाती है। तो ये दो रेज ले ली इस बार, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये कहां जाके मिलेंगी, पता नहीं कहां जाके मिलेंगी, पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज बच्चों कहां पर मिलती है, पैरेलल रेज बोलते हैं कि इंफिनिटी में मिलती है। तो इमेज कहां बनेगी, पॉजिटिव इंफिनिटी पर। कैसी होगी इमेज, रियल, इन्वर्टेड और इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी इमेज, हाईली इनलार्ज, ओके बच्चों। बस एक केस रह गया है, ये हो गया था चौथा केस, ये हो गया था पांचवा, और ये लास्ट केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लास्ट केस, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑल्सो। तो अगर ऑब्जेक्ट पास लाते गए तो इवेंचुअली ऑब्जेक्ट इतना पास आ जाएगा कि लेंस विल स्टॉप बिहेविंग लाइक अ लेंस एंड इट विल एक्चुअली बिहेव लाइक अ माइक्रोस्कोप। आई शुड नॉट से स्टॉप बिहेविंग लाइक अ लेंस, इट विल बिहेव लाइक अ माइक्रोस्कोप। क्या होगा देखते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत पास ले आए, यहां पर इतना पास ले आए कि एक रे तो फोकस से क्रॉस करा दी और दूसरी रे जो हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेज कभी मीट नहीं करने वाली, दीज टू रेज आर एक्चुअली गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है और देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो जो रेज है वो उसके सामने कभी मीट नहीं करेंगी। तो ऐसे में हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग उन रेज को पीछे की तरफ ड्रॉ करके उनका ओरिजिन का पॉइंट ढूंढता है। और अगर तुम डॉटेड लाइंस को पीछे बनाओगे तो तुम्हें दिख जाना चाहिए कि यहां पर कहीं एक पॉइंट आएगा जहां से ये दोनों रेज आती दिखाई दे रही। तो इस केस में बच्चों इमेज कैसी है, इमेज रियल नहीं है, इमेज इज वर्चुअल। तो वर्चुअल, इट विल बी अ वर्चुअल इमेज एंड इट विल बी इनलार्ज्ड एंड इट विल बी इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होंगी जैसे रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो बच्चों ये 6 केसेस है जो मैंने बनाए, इतने बड़े व्हाइट बोर्ड पे भी जगह भर गई। इन 6 केसेस को आपको बहुत तेजी से ड्रॉ करके प्रैक्टिस डालनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में रटना ना पड़े और पता हो कि ऑब्जेक्ट को कहां रखने पर इमेज कहां बनती है। इस पूरे 6 डायग्राम से अगर आपको एक लाइन याद रखनी है तो वो आपको ये याद रखनी है कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कैसी इमेज बनाता है। तो उसके बारे में आपको एक लाइन ये याद रखनी है, अ कन्वर्जिंग लेंस कैन मेक रियल इमेज ऑफ ऑल साइजेस, ब्रैकेट में लिखना, डिमिनिश्ड कॉमा इनलार्ज्ड एंड सेम। क्या याद रखना है, कन्वर्जिंग लेंस जो है वो रियल इमेज कैसी बना सकता है, सभी साइजेस की बना सकता है। रियल इमेज पॉइंट साइज भी, स्मॉल भी, सेम साइज भी और इनलार्ज्ड भी। बट यहां तक दिखाई दे रहा है, बट इट विल ऑलवेज मेक
बट इट विल ऑलवेज मेक एन इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज. क्या याद रखना है कि अगर वर्चुअल इमेज बन रही है और इनलार्ज बन रही है तो कौन सा होगा? कन्वर्जिंग लेंस होगा. ठीक है, वर्चुअल इनलार्ज कन्वर्जिंग लेंस. रियल इमेज हर तरह की बना सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज जब भी बनाएगा तो कैसी बनाएगा? इनलार्ज बनाएगा. सिक्स्थ केस में, एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है. बोलोगे सर व्हाट अबाउट डाइवर्जिंग लेंस, इसके लिए आपने इतनी सारी फिगर्स क्यों बनाई? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस बहुत ही इजी है. डाइवर्जिंग लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, लेट्स से इंफिनिटी पर रख दो और इंफिनिटी से पैरेलल लेंस आने दो, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा पैरेलल लेंस आ रही है तो वो कन्वर्ज तो हो नहीं सकती. क्या होंगी? डाइवर्ज. तो किस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी? फोकस से. तो कैसे डाइवर्ज होंगी? फोकस से. इस तरह से डाइवर्ज होंगी. तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको इमेज कहां दिखने वाली है? फोकस पर. कैसी इमेज है ये? वर्चुअल. रेत एक्चुअली यहां से आती दिखाई देंगी, यहां जाती दिखाई नहीं देंगी, तो ये वर्चुअल इमेज है. ठीक है, और इसके अलावा आप कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट, मतलब तुम खुद से ड्रॉ करके देख लेना, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, रेस कैसी जाने वाली है? फोकस से डाइवर्ज होती हुई. तो अगर फोकस से डाइवर्जिंग रेज है, दूसरी रे कौन सी बनाओ? ऑप्टिकल सेंटर वाली बना देता हूं. ये रेज आगे जाके कभी कन्वर्ज नहीं होने वाली, तो किसी भी ऑब्जर्वर को ये रेज कहां से आके दिखाई देगी? इस पॉइंट से. तो जो इमेज है वो हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ साथ डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट. तो क्या सीखना है आपको इस पूरे में? कि कन्वर्जिंग लेंस रियल इमेज कैसी भी बना सकता है, छोटी भी और बड़ी भी, पर वो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनाएगा? बड़ी. जबकि जो डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस ऑलवेज मेक्स वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. क्या बोला मैंने? अगर ऑब्जेक्ट दिया है कोई और बोला है वर्चुअल इमेज है डिमिनिश, तो कौन सा लेंस होगा? डाइवर्जिंग लेंस. और अगर बोला है ऑब्जेक्ट है रियल और जो इमेज है वो वर्चुअल है लेकिन इनलार्ज्ड है, तो कौन सा लेंस होगा? यही वाला लेंस होगा. वर्चुअल इमेज दोनों अपने अपने टाइप की बनाते हैं. ये वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनाएगा? इनलार्ज्ड. और वो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनाएगा? डिमिनिश्ड. बस इतनी सी बात याद रखनी है. उसके अलावा रियल इमेज कन्वर्जिंग लेंस कैसी बना सकता है? हर तरीके की बना सकता है. अगर ऑब्जेक्ट दिया है रियल और बोला है रियल इमेज है तो वो डेफिनेटली कन्वर्जिंग लेंस है, और ऑब्जेक्ट दिया है बोला है वर्चुअल इमेज है तो वो कन्वर्जिंग लेंस भी हो सकता है और डाइवर्जिंग लेंस भी हो सकता है. किस चीज से डिसाइड करोगे? इससे डिसाइड करोगे कि जो इमेज है वो बड़ी है या जो इमेज है वो छोटी है. उसको कितना भी टेक्स्ट पढ़ लो सुन लो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये तुम खुद से ड्रॉ कर दोगे ना एक बार, थोड़े दो पेज की जगह लेना, एक में नहीं आ पाए, ठीक है, पर अगर ये सारे डायग्राम तुम खुद से एक बार ड्रॉ कर दो और फिर दूसरी बार बिना देखे ड्रॉ कर दो, और फिर जब किसी टाइम बोर हो रहे हो तो तीसरी बार ड्रॉ कर दो, अगर खुद से ड्रॉ कर दोगे ना तो ये तुम्हारे दिमाग में लॉजिक बैठ जाएगा कि वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग लेंस हमेशा बड़ी बनाता है और डाइवर्जिंग लेंस हमेशा छोटी बनाता है. ये किसी टॉपिक में कवर नहीं किया मैंने, आपको ये बताया कि आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में जब ये गिविन नहीं होगा कि लेंस कौन से टाइप का है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग हटके चीज है कि सर लेंस तो गिविन ही होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग नहीं, हमेशा गिविन नहीं होता है, अच्छे क्वेश्चंस में गिविन नहीं होता है, उसी के लिए मैंने ये पूरा पढ़ा. ठीक है, तो रे डायग्राम बनाना बेसिकली मैंने आपको सिखाया, एक बार इसको कॉपी करो और फिर एक बार खुद से रिपीट करना बिना देखे हुए. ओके बच्चों, ये कर लिया तुमने, तो अब मुझे तुम लोगों को सिखाना है हाउ टू यूज लेंस फॉर्मूला. ओके, लेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है टू गेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अब एकदम मैथ्स वाला क्वेश्चन आ गया एकदम से. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये रिलेशनशिप होती है लेंस फॉर्मूला की. मैंने आपको ये भी बताया था कि कन्वर्जिंग लेंस
कि फोकल लेंथ कैसी रखेंगे हम, पॉजिटिव। क्यों रखेंगे पॉजिटिव, लॉजिक समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब रेज पीछे से आती है नेगेटिव डायरेक्शन से तो किधर कन्वर्ज होती है, आगे की तरफ, तो पॉजिटिव होती है। और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। क्यों होती है नेगेटिव, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस के केस में जब रेज पीछे से आती है तो वो इस पॉइंट से डाइवर्ज होती है। तो इन केस में जो फोकस यूज होता है वो ऑन द सेम साइड ऑफ रेज, रेज जिधर से आती है उस साइड नेगेटिव ली जाती है, तो ये साइड नेगेटिव तो ये वाला फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ये साइड नेगेटिव तो ये वाला फोकल लेंथ नेगेटिव। तो याद रहेगा ऐसे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई होगी मैग्निफिकेशन लेंस के केस में एच आई बाई एच ओ तो हमेशा ही होता है, इस केस में वो वी बाई यू के। इन दो पर आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने हैं, शुरू करते हैं फटाफट, बहुत टाइम लगा दिया। एग्जाम्पल वन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट ए पार्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस एंड बी पार्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट निकालो, इमेज की डिस्टेंस निकालो। एकदम फेयरली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो, तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं, यू वी की वैल्यू खुद से डिसाइड करो, पुट करो, हम लोग पहले ही साइन कन्वेंशन सीख चुके हैं और आपको एक मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। ओके बच्चों, पॉज करके ट्राई कर सकते हो आप वीडियो, खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, मैं आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। यू की वैल्यू है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू है -30, -30 क्यों, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है रेज उधर से आती है, उस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, यू की वैल्यू है -30। एफ की वैल्यू कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, जिधर से लाइट रेज आती है पैरेलल उसके दूसरी तरफ फोकस होती है, तो फोकस विल बी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। और वी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन कई लोग यहां पर गलती करते हैं, तो मैं हमेशा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेता हूं, 1/f + 1/u, और फिर मैं लिख लेता हूं v = uf / u + f। ऐसा करने से सिली मिस्टेक्स होने का चांस बहुत कम लगता है मुझे। u की वैल्यू -30, f की वैल्यू 20, u की वैल्यू -30, f की वैल्यू 20, -600/-10, और हमारा 60 सेंटीमीटर आंसर आ गया। v की वैल्यू बच्चों आई मेरी 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आते ही फटाफट क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज कौन से फॉर्मूले से, सेकंड मैग्निफिकेशन एच आई बाई एच ओ इज इक्वल्स टू वी बाई यू, एच आई कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू हमने निकाली है 60, और u की वैल्यू कितनी दी है, u की वैल्यू दी है -30, हाइट ऑफ इमेज बच्चों मेरा आता दिख रहा है मुझको -4 सेंटीमीटर, -4 क्या बताता है, -4 बताता है कि इमेज उल्टी बनेगी नीचे की तरफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है और इमेज कैसी बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, दिस इज द इनवर्टेड इमेज, इनवर्टेड इमेज मतलब इट्स अ रियल इमेज, ठीक है, इनवर्टेड इमेज मतलब रियल इमेज, तो आपको इमेज की हाइट पता है, उसकी पोजीशन पता है, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कि मतलब ये तो सॉल्व करना आना ही चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, ठीक है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, मैं स्पेस दे रहा हूं आपको, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर दिया होगा आपने, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस मेक्स एन इमेज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम इटसेल्फ फॉर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज 60 सेंटीमीटर, ओके, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर अवे है और इमेज 30 सेंटीमीटर अवे है, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ, लेंस की। चलो अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको, तुमको यू और वी दोनों दे दिया मैंने और साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी छोड़ दिया, और अब तुम्हें उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, तो खुद से यू और वी की वैल्यू डिसाइड करो, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ओके बच्चों, आपने ट्राई किया होगा, मैंने इस बार यू की वैल्यू दी हुई है
30 सेंटीमीटर, तो जिस साइड से ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड से रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड से रेज आएंगी, कन्वर्जिंग लेंस है, तो यू को तो हम हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, एज लॉन्ग एज ऑब्जेक्ट इज रियल। ऑब्जेक्ट रियल ही होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस एक अलग से होता है, वो अलग से पढ़ा देना, ठीक है। तो जब तक सिर्फ ऑब्जेक्ट बोला है तो रियल ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे तो उस तरफ से रेज आ रही है तो उसको नेगेटिव लिया। अब इमेज किस तरफ बन रही है बच्चों, पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ये कैसे जज करोगे? ऑब्जेक्ट इज 60 सेंटीमीटर तो -60 लेना चाहिए था, -60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर है और इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तो आगे की तरफ बन रही होगी इमेज या पीछे की तरफ? तो अब याद करो यहां पर केसेस काम आएंगे। जब पीछे की तरफ कन्वर्जिंग लेंस में एक ही केस था जब पीछे की तरफ इमेज बनी थी, जब वर्चुअल इमेज बनी थी, और तब वर्चुअल इमेज कहां पर बनी थी, बड़ी सी ऑब्जेक्ट के पीछे। तो अगर बड़ी सी ऑब्जेक्ट के पीछे होती तो इमेज की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर से ज्यादा होती, यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। वर्चुअल के केस में इमेज ना सिर्फ बड़ी होगी बल्कि लेंस से ज्यादा दूर भी होगी, तो ये सब रट नहीं सकते। लेकिन अगर डायग्राम बनाए हुए आपने तो आपको छठा केस याद आता रहेगा बार बार। तो ऑब्जेक्ट अगर 60 सेंटीमीटर पे है लेकिन इमेज पास में है तो वर्चुअल वाला केस कन्वर्जिंग के लिए नहीं हो सकता। ओके, तो कौन सा केस पॉसिबल है? पॉसिबल है कि ये आगे कहीं 30 सेंटीमीटर पर इमेज बन रही होगी, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? v की वैल्यू लेनी चाहिए +30 सेंटीमीटर। अब u और v दोनों पता है तो 1/v - 1/u = 1/f, 1/30 - -60 = 1/, और इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 60 × 30/60 + 30 = 90। समझ में आएगा? तो अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू आर स्लाइटली कंफर्टेबल विद रे डायग्राम्स। ओके, तो ये हो गया सेकंड केस। एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, अच्छा फटाफट इसको नोट डाउन कर लो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया था, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो सॉल्यूशन। तो थर्ड केस है अ लेंस, इस बार मैं ये नहीं बता रहा कि लेंस कौन सा है, ये खुद से जज करना है तुमको। A लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसा खुश नहीं होने का कि 25 सेंटीमीटर है प्लस पॉजिटिव दे दिया सर, नहीं, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, मैं फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दे रहा हूं, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। A लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर क्रिएट्स वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1/4 ऑफ इट्स साइज। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ओके, इस बार बच्चों यू और वी दोनों ही गिवन नहीं है, ठीक है, यू और वी दोनों गिवन नहीं है, लेकिन मैंने तब भी दो डेटा पॉइंट्स दिए हैं तो सोचोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। एक सेकंड का टाइम लो, पहले ये डिसाइड करो कि ये लेंस कौन सा है। ओके, कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये खुद से सोचना है, मेरा वेट मत करो, खुद से सोचो कि ये कौन सा लेंस है। वापस जाओ रे डायग्राम्स को फिर से देखो और डिसाइड करो कि वर्चुअल इमेज 1/4 ऑफ द साइज, छोटी वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस बनाता है। देख लिया तुमने फिगर में, ठीक है, चेक कर लिया अपने नोट्स, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स ही काम आएंगे। ओके, तो वर्चुअल इमेज छोटी कौन बनाता है, तो तुम्हें दिख गया होगा कि डाइवर्जिंग लेंस बनाता है, वर्चुअल बनाता है और छोटी बनाता है, तो ये लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में पैरेलल रेज जैसे आती है ऐसे डाइवर्ज होती है, ये फोकस काम आता है, फोकल लेंथ कैसे ली जाती है, नेगेटिव। आंसर आया -25 सेंटीमीटर, आई बात समझ में, ठीक है, फोकल लेंथ आया -25 सेंटीमीटर। दूसरी चीज दी है मैग्निफिकेशन, वो होती है HI/HO और लेंस के लिए वो होती है V/U के अलावा। पहला डेटा पॉइंट, दूसरा डेटा पॉइंट, दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि HI/HO मैग्निफिकेशन बच्चों 1/4 तो लेना है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या लेना है, +1/4 या -1/4, ये भी डिसाइड तुम्हें करना पड़ेगा, कौन सा लेना है, +1/4 या -1/4। फिर से लॉजिक, लॉजिक क्या,
याद करो जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था तो वर्चुअल इमेज, और बार बार बोल भी रहा हूं कि वर्चुअल इमेज कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट। ओके, अगर इरेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉजिटिव होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, तो मैं एक अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज हैव सेम साइन, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा मतलब हमेशा, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में, वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, तो प्लस 1/4, 1/2 क्यों लिख दिया मैंने, 1/4। ओके, तो 1/4 है हाइट ऑफ इमेज, तो इनका रेशियो प्लस 1/4 आएगा। इसकी वैल्यू आप किसके बराबर पुट कर सकते हो, इज इक्वल्स टू वी बाई यू। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, एक ये इमेज, एक ये आ गई वी बाई यू इज इक्वल्स टू प्लस 1/4, और दूसरी हमने ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है फोकल लेंथ 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो इससे 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F कितना है, -25। एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से U की वैल्यू निकालो, वो आएगा 4 times V, और ये U की वैल्यू कहां पे ले जाके यहां पर पुट कर दो और इसको सॉल्व करो, एंड यू विल गेट वी इज इक्वल टू -75/4। तो सब कुछ पता होते हुए भी मेहनत लग जाती है, ये वैल्यू है v की और u की वैल्यू आ जाएगी इंटू 4 कर देंगे तो -75 cm। ओके बच्चों, तो ये जो तीसरा टाइप है जिसमें ये गिवन नहीं होगा कि लेंस कौन सा है, यही सबसे टफ है और यही मैं सिखाना चाह रहा था। अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए तो लेंस फॉर्मूले पर इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, या तो सबसे इजी केस जिसमें यू गिवन होगा वी निकालना होगा, या फिर उससे टफ यू वी दोनों गिवन होंगे एफ निकालना होगा, या फिर सबसे टफ जिसमें एफ गिवन होगा और यू और वी दोनों गिवन नहीं होंगे, उस केस में आपको रे डायग्राम्स की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो फटाफट तीनों नोट डाउन करो और डीबीपी जो मैंने दी है वो सॉल्व करो, और अब आपसे लेंस फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए।